नमस्ते, इट्स मी लक्ष्मी वट्राय फ्रॉम विश्वज्योति सेकेंडरी स्कूल। ड्यू टू COVID-19 लॉकडाउन ऑल वी आर स्टे एट होम टू बी सेफ, सो दैट वी इनिशिएट आवर ऑनलाइन क्लास थिंकिंग दैट इट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू आवर स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ इंग्लिश सब्जेक्ट ऑफ ग्रेट वन। टुडेज टॉपिक इज द इंग्लिश अल्फाबेट। द इंग्लिश अल्फाबेट, माई डियर लवली स्टूडेंट, यू ऑलरेडी रीड इंग्लिश अल्फाबेट इन क्लास LKG एंड UKG। यस, ओके। इंग्लिश अल्फाबेट मीन्स देयर आर ऑल टुगेदर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। द इंग्लिश ऑल टुगेदर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग, ओके। ए बी सी डी ई एफ जी H I J K L M N O P L M N O P Q R S T U V W X Y and Z A B C D E F G H I J K L M N O P L M N O P Q R S T U V W X Y and Z U V W X Y and Z. Next time you will sing with me. Next time you will sing with me. This much for today. Okay, student? Okay, now we can make so many words from A. That A you already read in class LKG. Yes, you make a word from A. A for apple. A for ant, B for ball, B for bat, C for cat, C for car, D for dog, D for duck, E for egg, E for elephant. Like in this way you can make so many words from A to Z. That is your work, okay? This is revision for you. Okay, dear students, this is revision for you. Now I teach you before. Before means, you know, bhai bhai ni haru hajurlai thaha cha, before bhaneko ke ho? Before bhaneko agadi. What do we write before F? First of all, you know the letter, yes? You already read ABCD. Okay, before means agadi. Which letter come before F? एफ भन्दा अगाडि कुन लेटर आउँछ? एफ भन्दा अगाडि वी राइट हियर ई, ओके, लाइक दिस वे। बिफोर डब्लू, बिफोर डब्लू विच लेटर वी राइट हियर? डब्लू भन्दा अगाडि कुन लेटर आउँछ? विच लेटर कम बिफोर डब्लू? वी राइट हियर वी, ओके, लाइक दिस वे। बिफोर बी विच लेटर वी राइट हियर? Before B, we write here A. And before M, which letter we write here? Before M, we write here L. Like this way, you practice all these alphabetical words. Give the fill up and write all words at your home. That is also your work. Now, after. Okay, my dear students, after means, you know, after means पछाडि। व्हाट वी राइट आफ्टर बी? व्हिच लेटर कम आफ्टर बी? व्हिच लेटर कम? यु नो आफ्टर बी हियर सी कम, ओके, यु राइट हियर सी। एन्ड आफ्टर पी? आफ्टर पी व्हिच लेटर वी राइट? पी भन्दा पछाडि कुन लेटर आउँछ? आफ्टर पी वी राइट क्यू, ओके डियर स्टुडेन्ट। आफ्टर के? आफ्टर के व्हिच लेटर वी राइट हियर? After K, we write here L. Okay, we write here L. After U, which letter we write? After U, we write there V. In this way, you do your work. Okay, this is also your work. Before and after. Before means agadi, and after means pachadi. Which letter come before and which letter come after? Okay. That is your work. Now, my dear student, in a word student, how many letter are there? Student, can you count? S,
यू डी ई एन टी हाउ मेनी लेटर देयर आर ऑल टुगेदर 7 लेटर इन स्टूडेंट ओके नाउ इन स्टूडेंट देयर आर ऑल टुगेदर 7 लेटर दैट इज ऑल्सो अल्फाबेटिकल लेटर दैट इज ऑल्सो अल्फाबेट ओके इन दिस वे नाउ माई डियर स्टूडेंट्स टूडे आई वॉन्ट टू टीच यू भावल एंड कंसोनेंट लेटर ऑल्सो भावल्स लेटर एंड कंसोनेंट लेटर देयर आर ऑल टुगेदर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट यस एंड भावल्स हाउ मेनी लेटर आर भावल्स ऑल टुगेदर 26 5 लेटर्स आर भावल एंड रिमेनिंग 21 आर कंसोनेंट ओके 5 व्हिच लेटर इज भावल्स यू नो सी हर ए ई आई ओ यू दिस ऑल्सो यू ऑलरेडी रीड इन क्लास एलकेजी एंड यूकेजी ओके दिस इज टुडे ओनली रिविजन नाउ कंसोनेंट कंसोनेंट लेटर्स यू नो बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ऑल टुगेदर 21 आर कंसोनेंट एंड 5 आर भावल्स ओके माई डियर स्टूडेंट्स यू नो भावल एंड कंसोनेंट ऑल्सो ओके नाउ टुडे आई गिव यू सम वर्क हियर फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल भावल हियर यू राइट ओनली भावल लेटर्स ओके सी हियर हियर इज अ पिक्चर ऑफ एरो हियर इज अ पिक्चर ऑफ एरो एंड यू राइट हियर भावल साउंड Which sound is vowel? Tell me. Okay, my dear student. A, E, I, O, U. 5 sound are vowel, yes. Now, you write here. A, R, R, O, W, arrow. Now, next. Here is a picture of elephant. You write here. Elephant. A, E, I, O, U is vowel, yes. You write here. E, L E P H A N T elephant. Now here is a picture of ice cream. You write here I C E C R E A M ice cream. Okay, now next here is a picture of onion. You fill up here word. You fill up here letter. O N I O N onion. Now next, here is a picture of umbrella. You see, here is a picture of umbrella. You write here U. U also vowel sound. Yes, U M B R E L L A umbrella. Okay, today we read 5 vowel sound. Yes. A, E, I, O, U. With the help of vowel sound, we fill up this word. Now, it's the time to consonant sound. Fill in the blanks with suitable consonant letter. Now, rest 21 letter is consonant, yes. Now, we fill up here consonant letter. Here is consonant letter, see here. Here is a picture of balloon. We write here B, A, L, L O N balloon. Now here is a picture of cake. You write here C A K E cake. Now here is a picture of flower. You write here F L O W E R flower. Now here is a picture of mango. You write here M A N G O mango. In this way we fill up vowel and consonant sound. Okay, dear students, today we do only revision that you already read in class LKG and UKG English alphabet and vowel and consonant sound. Okay, now today next topic is noun. You know what is noun? Noun is a naming word. Noun is a naming word. For example, Kathmandu,
पोखरा काठमांडू पोखरा हरी सीता रीता एलिफेंट टाइगर ऑल थिंग्स आर नाउन ओके ओके दिस मच फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स अदर्स वी रीड टुमारो एंड दिस इज अ वर्क फॉर यू प्लीज फिल अप दिस ऑल वर्ड्स एंड रीड कंसोनेंट एंड वाउल साउंड एट योर होम ओके नाउ मेक्स टू वर्ड्स make all english alphabet with make two words okay this much for today stay home stay safe nice to meet you